फिल्मों की बात करें तो कब तक देखेंगे? इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्दी। बिग बॉस के बाद मैं 2 साल के लिए नॉर्वे चली गई थी, जहाँ मैंने अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन लॉन्च की है। अभी वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुकी है और मैं वापस आ गई हूँ बॉम्बे, क्योंकि मैं यहाँ इतने सालों से अभी रहती हूँ और मुझे बॉम्बे की आदत हो गई है, और वो कीड़ा अभी तक जो बॉलीवुड का था वो निकला नहीं मेरे से, मेरे अंदर से। तो इंशाल्लाह बहुत जरूर जल्दी इसी साल में या 1 या 2 फिल्में ज़रूर साइन करूँगी। काफ़ी अच्छे स्क्रिप्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन में सिनेमा इतना चेंज हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं फिल्म करूँगी या करने वाली हूँ वो जैसे मुझे चाहिए, जिस तरीके की मुझे इंटरेस्ट है कि वो वैसे ही हो। रही बात ट्विंकल जी की, तो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं इंटीरियर्स के लिए और वो खुद भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और उनको अवार्ड्स भी मिले हैं काफ़ी। सो शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हर वर्क। रही बात हमारी इंटरेक्शन उनके साथ, तो वो नहीं अभी हुई है क्योंकि मेरा ज़्यादा मोटिवेशन टॉक्स एंड स्पीच था, और ये एक्चुअली ऑफिशियली लॉन्च करना जो अकेडमी ऑफ इंटीरियर्स है, और ट्विंकल जी जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। आप चाहेंगे कि वो बॉलीवुड में कम बैक करें लंबे टाइम से? मुझे ट्विंकल जी हमेशा बहुत पसंद रही हैं और रहेगी भी। आई होप अगर वो बॉलीवुड में कम बैक कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी फैसिनेटिंग टू सी हर ऑन द बिग स्क्रीन अगेन। बट इफ शी हैज़ ऑलरेडी चोजन टू बी इन अनदर फील्ड, देन आई एम हैप्पी दैट शी इज डूइंग दैट, क्योंकि क्रिएटिव इंसान यहाँ भी एक्टिंग में भी शी इज़ बीन वेरी गुड, एंड ऑल्सो इन इंटीरियर डिजाइनर जैसे मैंने आपको कहा उन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। सो आई थिंक शी इज डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब।